morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Hello everybody. मैं हूँ रोहन और हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी, क्योंकि आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रूवफेस्ट 2021 के फोक कैटेगरी के राउंड में. आशीष जी, सबसे पहले फोक डांस की इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए. Our Indian culture is so rich and diverse in all this various forms. हमारे हर state का एक folk art form है और हर folk form में अपनी एक अलग there is a lot of color combination. जैसे India जाना जाता है like for the vibrance, for the colors और हर folk form तो वो भांगड़ा हो, गरबा हो, घूमर हो, लावनी हो, कालबेलिया हो, उसमें सबसे ज़्यादा important पता है क्या है रोहन? The energy, the power. जो पावर के साथ ये फोक डांसर्स परफॉर्म करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल फॉर्म्स जो करते हैं बहुत सालों की तपस्या होती है, बहुत मेहनत होती है, वैसे ही फोक आर्ट फॉर्म वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी भी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसके बाद जाके वो एक फोक डांसर बनते हैं. और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर एडॉप्शन और उसका इम्प्लीमेंटेशन विथ ऑल दैट एनर्जी इज़ वॉट आई फील इज. तो आज आप एक्साइटेड हैं आज हमारे कंटेस्टेंट्स के फोक डांस देखने के लिए? एब्सोल्युटली, बिकॉज जैसे लोगों को पता है कि लोग मुझे फोक के लिए बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो मुझ में वो जो एनर्जी है वो मैं आज देखना चाहूँगा फोक ग्रुप्स में. चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इस्तांबुल में आज हम आ चुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं एक ज़बरदस्त फोक डांस के कुछ कंटेस्टेंट्स. तो शुरू करते हैं पहले कंटेस्टेंट से. सुपारी बिड़त सुपारी कोल्हापुर की मैं बिना बताए जा रहा हूँ, किंतु ये सच है। बरसाना से ये मेरी अंतिम विदाई है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो? कि तारी माटे नहीं तो राधा माटे देखा तुम, मेरी राधा मुझसे मिलने आ रही है। अंतिम रात्रि है जो मैं राधा के संग ही बिताना चाहता हूँ। हमारे इस मिलन का अत्यंत महत्व एक वचन शेष है। आगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, आगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करी माझ्यावरी जागावी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागावी तो रात सारी. आंबे गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळाला ये गोंधळ मांडला गंबे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गंबे गोंधळाला ये. बोल भवानी मातेचा. अभी तक आपने जितने परफॉर्मेंसेस देखे आपको बहुत मजा आया होगा. आशीष जी, ये परफॉर्मेंसेस देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा IIGF को, बिकॉज उन्होंने ये कैटेगरी रखी फोक ग्रुप की, यू नो, फोक आर्ट फॉर्म की डिफरेंट कैटेगरी. बिकॉज क्या होता है ना कि फोक आर्ट फॉर्म कहीं और रह जाता है और बहुत सारे ग्रुप डांसेस आजकल जैसे फ्यूजन्स होता है. नो ऑफेंस टू एनी डांस फॉर्म, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कैटेगरी रख के आपने फोक आर्टिस्ट को या फोक परफॉर्मर्स को एक अलग दर्जा दिया है. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन IIGF फॉर कीपिंग दिस कैटेगरी. तो ये बात थी आशीष जी की, जिन्होंने कहा कि फोक डांस को एक अच्छा दर्जा दिया है IIGF ने, और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी एक दर्जी की ज़रूरत है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाइए. मेरी ऐसी मस्ती चलती रहेगी, मैं थोड़ा इस्तानबुल हम लोग घूम के आते हैं. Yes, चलो चलो चलो. आई अम्बे जगदंबे तारी संगरात जय दे, दानव ठेचाया माराया आम्हाला बळ दे. रायगडाची जगदंबा ही आज तुला आळवी, लेख सुनांची अखेरची तू आस आज माऊली. समधाना मुक्त कराया निर्दाळू निखळ दे. निर्दाळू निखळ दे, बाबाई निर्दाळू निखळ दे, बाबाई निर्दाळू निखळ दे, बाबाई निर्दाळू निखळ दे, बाबाईचा उधा उधा। आम्हा आहे आई आता तुझाच भरवसा, देशी धर्म बुडवती राक्षस भर दिवसा, त्या बुडवाया अन तुडवाया साठा हाती बळते, त्या बुडवाया तुडवाया साठा हाती बळते, गहमाबाई गोंधळ मांडला न माझ्या माय माऊलीचा हागर, गोंधळ मांडला न माझ्या माय माऊलीचा हळद कुंकूचा मळवट कपाळी भरला, साडी चोळी माईचा शृंगार सजला, दीप ज्योतीला लख लखला आई तुझा गाभारा, सौभाग्याचं लेण माऊली हे ग तू आम्हाला, हरिति तू सबागिनी इंद्र रो भरतार पैरन नीलो कंचवो सायब जी म्हारा आलम जी म्हारा झिरमर बड़ी सहमे वरे आलम जी म्हारा झिरमर बड़ी सहमे पापिया जी बसा परदेश श्री सायब जी म्हारा झिरमर बरसे जियो में जी मारा जिरमर बड़ी सहमे everything I do, niggas copy. Cause everything we do, y'all niggas like to imitate, and y'all like to duplicate, but y'all can never motherfucking recreate. When I fall the plot, neighbors call the cops and they heard mass. एक से एक वो परफॉर्मेंसेस दिए आप लोगों ने यार, यू हैव अमेज्ड एवरीवन। ओके आशीष जी, प्लीज जजमेंट के बारे में कुछ बताइए हमें। यस ऑफ कोर्स, तो फोक कैटेगरी के हमारे फाइनल परफॉर्मर्स हैं ये। All right, congratulations to all the people, those who have moved towards the grand finale। आज का एपिसोड ये यहीं पे खत्म करते हैं। आपको मिलेंगे जल्दी एक अगले एपिसोड में। आप एक काम जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, ताकि हमें समझ में आए कि क्या आपकी और हमारे जजेस की राय मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए, हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। चलो।